जानना है कि यार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में क्या तरीका है, किस तरीके से जाना होता है. Sometimes people say that okay, his catching power is good, he's a fast learner or a avid learner, right? But you are not. Then you can't get into product based companies or good companies. Mostly nowadays the companies, product based companies or fan based companies, they generally focus upon problem solving skills. If you solve the number of problems, then you'll start recognizing the patterns. Pattern banne lag jayenge dimag mein. अगर स्पेशली अगर मैं बात करूँ गूगल की या अमेजोन की या फैंग बेस्ड कंपनीज की बात करूँ, तो वहाँ पे दे लुक फॉर अ कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर. अगर आप हो तो आई एम नॉट सेइंग कि वो बाकियों को नहीं देखते हैं, बट एक एज हो जाता है आपके पास में. तो 6 से 9 महीने, 6 to 9 months वुड बी इनफ. 6 से 9 महीने में एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की तैयारी की जा सकती है. Hi everyone. My name is Yogesh and I'm working as a software engineer at ServiceNow. And in this topic, we are going to talk about how to start programming for product-based companies. क्योंकि ये बहुत कॉमन डाउट होता है सबका. सबको जानना है कि यार product-based companies में क्या तरीका है, किस तरीके से जाना होता है. तो देखो, first of all, you'll have to understand कि product-based company को तैयारी कर रहे हो आप, या fang-based company की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी company की तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है. तो इस तैयारी इस तरीके से कभी भी नहीं की जा सकती है कि इसके लिए मैं कम मन से तैयारी करूँगा और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा फोकस होकर तैयारी करूँगा, या इस तरीके से, राइट. अगर आप अपने करियर को लेकर फोकस हैं, तो आई डोंट नॉट थिंक कि आप कंपनी के बेसिस पे जज होकर तैयारी करेंगे. ऑल्दो पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, इट्स टोटली सब्जेक्टिव, बट अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट, इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, कोई कंपनी के लिए अपीयर कर रहा हूँ, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, देन आई विल मेक श्योर मैं अपना 100%, राइट. और उसके लिए 100% देने के लिए देयर इज नो शॉर्टकट. लेकिन मैं आपको जो बोलूँगा, आपको दो चीज़ें अगर होंगी, अगर आप, ऑल दो कुछ लोग कहते हैं लाइक समटाइम्स पीपल से दैट ओके हिज कैचिंग पावर इज गुड, ही इज अ फास्ट लर्नर और एविड लर्नर, राइट, बट यू आर नॉट, देन यू कांट गेट इनटू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और गुड कंपनीज. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. हो सकता है कि किसी को जाने में टाइम जल्दी लग जाए, मतलब कोई जल्दी पहुंच सकता है, और हो सकता है आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए. कंसीडर, हो सकता है कोई और दूसरा आदमी है जो 6 महीने में पहुंच गया वहाँ पे, और हो सकता है मुझे 1 साल लग जाए. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, लाइफ इज इट्स नॉट अ रेस एनी मोर. अब 11th 12th वाला हिसाब नहीं है, इट्स नॉट अ रेस, इट्स अ मैराथन. यू शुड ऑल्सो ट्राई टू स्टार्ट इन्जॉइंग द थिंग्स दैट यू आर डूइंग. Anyways, let's start the question and I'll straightly come to the point and we'll answer your all the queries that how to start programming for the product based company. So first of all, you'll have to make sure the companies that you are applying for, mostly nowadays the companies, product based companies or fan based companies, they generally focus upon problem solving skills. And because problem solving skills help them to judge a candidate or to let them know about a candidate, how he is a good problem solver or how he approaches a new problem. So they want to check your analytical skills and problem skills. And problem skills comes from the data structures and algorithms, because in that way you apply mathematics, you apply new algorithms, you learn new things and apply them to solve the प्रॉब्लम. सो दैट इज़ एक्चुअली, मतलब आप इस तरीके से कह सकते हो कि जो DSA वाला पार्ट है वो हमें दिमाग की कसरत करवाता है, जिसमें हम नई नई चीज़ें हैं, जो कोई भी चीज़ें सीखी, कोई भी एल्गोरिथम सीखी, तो उसे किस तरीके से हम वाकई में अप्लाई करें. बिकॉज सीखना और उसे अप्लाई कर पाना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है. बिकॉज दैट इज़ अनदर क्वेश्चन जो डाउट में आता है, जहाँ पे स्टूडेंट कहते हैं दैट दे आर एबल टू लर्न न्यू एल्गोरिथम्स. फॉर एग्जांपल, उन्होंने कुछ स्ट्रिंग मैचिंग की एल्गोरिथम सीखी, या दे हैव लर्न न्यू शॉर्टिंग एल्गोरिथम, या उन्होंने कुछ ग्राफ की एल्गोरिथम, कोई क्रिस्कल, कोई इस तरीके से कुछ भी चीज़ें, कोई भी एल्गोरिथम सीख लेते हैं. बट दे डू नॉट नो, जब वो प्रॉब्लम दिखती है तो अच्छा, इस प्रॉब्लम को इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, या इस डेटा को अगर शॉर्ट कर लें तो इसमें बाइनरी सर्च लगाई जा सकती है, या इसको कनेक्टेड कंपोनेंट्स के थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है. सो दैट इज़ एन अनदर पार्ट. लेकिन क्वेश्चन आता है कि ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सो द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज एक्चुअली, इफ यू विल सी अ लॉट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट, इफ यू विल सॉल्व द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, देन यू विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग द पैटर्न्स. पैटर्न बनने लग जाएंगे दिमाग. जैसे इफ वी रिलेट दिस थिंग सिमिलर टू, अगर हम 11th 12th में कैसे प्रैक्टिस करते थे, तो 11th 12th में हम इंटीग्रेशन सीख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या हमने जो मैट कोऑर्डिनेट सीखा, तो हमने टीचर से पूछा कि इसमें परफेक्शन कैसे लाएं, तो व्हाट ही यूज्ड टू गिव, कि आरडी शर्मा से क्वेश्चंस कर, है ना, इस तरीके की चीज़ें होती थी. क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको एक ही पैटर्न के काफ़ी सवाल दिख जाएंगे और अल्टीमेटली आप अप्रोच करने लग जाओगे, अच्छा यहाँ पे इस तरीके से भी किया जा सकता है. आई एम नॉट सेइंग द सेम थिंग, बट एटलीस्ट हमारा जो लाइक दिस इज द थिंग हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स, इट स्टार्ट्स रिकॉग्नाइजिंग द पैटर्न्स. सो यू स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग, ओके, इफ वी कुड हैव शॉर्टेड द एरे, और इफ वी हैव कुड यूज डायनेमिक प्रोग्रामिंग और समथिंग. Okay, that is another part, but what I would suggest you for preparing
for the product based companies, you have to focus much upon problem solving skills. That is the DSA part. You can't compromise it. Choose any programming language and start working upon your DSA. Start from recursion, then linked list, then tree, graph, dynamic programming, hash map, trice. So there is tons of other data structures, right? So and you do not have to learn all of them, but at least you should try to learn those ones that I have mentioned, because it will help you in cracking your companies and help in your programming, or you could say problem solving skills. So that's the one thing. And another thing would be, if you are specifically preparing for the product based companies, right? So another thing is, consider if you have done 300 basic problems on data structures and algorithms, in which you have got not very much understanding, but you find yourself comfortable in each data structure, like array, recursion, linked list. If someone gives you a question, you can approach it. It should not be like that you are blank. किसी ने आपको कोई problem दे दी तो आप उसे approach ही नहीं कर पा रहे. तो इस तरीके से नहीं होगा, बहुत comfortable हो जाओगे तो, है ना? तो ये चीज़ें भी रहेंगी. लेकिन आपको करना क्या है, जैसे 300 प्रॉब्लम कर ली, अब उसके बाद में देखो, अब टाइमिंग की बात भी आती है कि कितना टाइम डिसेंट चाहिए. तो मुझे लगता है कि अगर किसी भी पर्सन को जिसको ज़ीरो नॉलेज है, जिसने कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं पढ़ी है, तो उसको अगर वो सिंसियरली तैयारी करता है, आई एम अज्यूमिंग कि वो तैयारी कर रहा है, कहीं और जॉब में नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई और काम नहीं कर रहा, तो 6 से 9 महीने, 6 to 9 months वुड बी इनफ. 6 से 9 महीने में एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की तैयारी की जा सकती है. तो उसमें होगा क्या, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, क्योंकि उसके बाद में ना आपको काफ़ी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा. क्योंकि आपको देखो, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कर ली या ये सब कर लिया, क्योंकि अगर एक एवरेज इंसान की बात करूँ तो उसे कम से कम 3 महीने लग जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल करने में और प्रोग्रामिंग सीखने में, जो बेसिक प्रोग्राम्स होंगे, जो मैं 300 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, और इंक्लूडिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो आराम से उसे 3 महीने लग जाएंगे, 2.5 से 3 महीने मान लीजिए. 3 महीने अगर आपको लग गए, उसके बाद में अगले 6 महीने में आपको क्या तैयारी होनी चाहिए. अगले 6 महीने में भी आपको क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, क्वेश्चंस ही देने हैं, बट अब किस तरीके से तैयारी करनी है. आपने बेसिक डेटा स्ट्रक्चर था, वो तो आपका तैयार हो गया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू शुड स्टार्ट गिविंग कोडिंग कॉम्पिटिशंस, कोडिंग कॉन्टेस्ट. कहाँ देने, जहाँ आपका मन करे वहाँ दो. लीड कोड पे दे सकते हो, लीड कोड पे डेली चैलेंजेस आते हैं. वीकेंड पे टाइम मिलता है तो वीकली और बाई वीकली कॉन्टेस्ट दो. कोड स्टूडियो पे चैलेंजेस चलते रहते हैं, वहाँ आप देख सकते हो. एंड इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ कि अगर आपको प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करने लगी है, तो आप कोड सोर्सेज या कोड शेफ की तरफ भी मूव कर सकते हो. तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है. लेकिन अगर आपको स्टार्ट करना है, लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ही है, तो आई वोंट सजेस्ट कि कोडिंग कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग नेसेसरी. देखो, डोंट गेट मी रॉन्ग, अगर इस बात पे कोई डिबेट चालू मत करना कि नहीं कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग नेसेसरी है या कुछ है. कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग इज जस्ट अ टूल, एक प्रैक्टिस करने का तरीका है आपको. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुछ कोई बोलता है कि आपको 12th के मार्क्स, तुम्हें 12th में अच्छी परसेंटेज लानी है, तो CBSE कर लो, हो जाएगा उससे. लेकिन अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हो ऑलरेडी, और आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हो, तो वहाँ का जो भी आपने पढ़ा, तो उसको अगर उसकी तैयारी कर रहे हो आप, तो 12th की जो CBSE बोर्ड है, उसमें तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कर ही लोगे, है ना. तो सेम गोज ओवर हेयर ऑल्सो. तो वो दैट इज़ एन अनदर डिफरेंट पार्ट. बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप कोडिंग कॉन्टेस्ट देना चालू करो, ताकि आप अगले 6 महीने टच में रहो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के साथ. ज़्यादा नहीं, अगर आप दिन के 3 या 4 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पा रहे हो, तो दैट इज़ मोर देन इनफ. और सॉल्व भी नहीं करना, जो मैंने बोला सॉल्व नहीं करना है, बस उसको सीखना भी है और अप्लाई भी करना है. तो द थिंग इज, बिकॉज वॉट वी डू व्हेनेवर वी आर लर्निंग एनी न्यू थिंग्स, सो वी ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स, बट ह्यूमन नेचर टेंड टू फॉरगेट ओल्ड थिंग्स दैट वी हैव लर्न. कि ये अच्छा एक एल्गोरिदम जो मैंने लास्ट वीक सीखी थी, अब मैं उसे दोबारा करने की कोशिश की 1 हफ्ते बाद, तो आई एम नॉट एबल टू. तो आपको हताश नहीं होना है, सबसे पहले अपना मोरल डाउन नहीं करना है. दैट्स कम्प्लीटली फाइन, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर टेंड्स टू फॉरगेट द थिंग. तो आपको रिवाइज करने का कॉन्सेप्ट बनाना है, टाइमिंग बनानी है. सबसे पहले अगर आप टाइमिंग बना पा रहे हो, टाइम टेबल से चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. लोग कहते हैं ना टाइम टेबल नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है. अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो ये सच है, अगर इस तरीके से इतने ही अगर आप फोकस होते हैं, कुछ भी चीज़ें कोई भी होती, कुछ भी दिक्कतें होती, तो यू वॉन्ट बी हेयर टू वॉच द वीडियो. बट अगर आप किसी सोल्यूशन के लिए आए हैं यहाँ पे, तो मैं आपको, हो सकता है आप ऑलरेडी हों भी, बट मैं आपको बोलूँगा अगर टाइम टेबल बना के आप चलोगे, तो दैट विल हेल्प यू इन अ लॉन्गर रन. क्योंकि आप हार्ड वर्क कर पाओगे, और हार्ड वर्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंट. अगर आप कंसिस्टेंट रह के कर पाए ना, रादर देन अगर आप 1 हफ्ते में वीकेंड में 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बजाय अगर आप डेली 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, दैट वुड बी मच मोर इफेक्टिव. मार्क माय वर्ड्स, आप ये करके देख लीजिएगा, आप उन कॉन्सेप्ट्स को बहुत डीपली याद रख पाएंगे. जो ये लर्न वाली जो प्रॉब्लम आती है ना कि याद नहीं रहती, तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा, टाइम टू टाइम ऑल्दो
सब्जेक्टिव है टोटली, पीपल टू पीपल डिपेंड करता है उनके टाइम टेबल पे, उनके स्केड्यूल पे। बट आई विल सजेस्ट यू कि अपना टाइम टेबल इस तरीके से भी बनाएं कि वीकेंड पे या जब भी आपको टाइम मिले तो जो आपने वीक में कंसेप्ट सीखे उसको आप रिवाइज करें, तो रिवाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके बाद आता है जैसे आप कोडिंग कॉन्टेस्ट देते हो या कहीं भी देते हो तो वहाँ पे एक डिस्कशन फॉर्म होता है, तो डिस्कशन फॉर्म में वहाँ पे जो लोग सबमिट करते हैं सॉल्यूशन को, वो अपनी अप्रोचेस वहाँ पे भी डालते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाएं, सॉल्व कर पाएं या ना कर पाएं, बट आई विल रियली सजेस्ट यू ड्यूरिंग योर अर्ली फेज और योर बिगनिंग फेज और योर लर्निंग फेज, ठीक है, कुछ भी कह लो आप इसे, वहाँ पे आपको दूसरों की अप्रोचेस को देख के भी सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन मल्टीपल वेज और वो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कोर क्राइटेरिया हो जाता है आपके लिए। उसके बाद मैं फोकस करूंगा, ये आपका चल रहा है साइड बाई साइड, लेकिन 3 महीने के बाद में अगले जो 3 महीने कह लीजिए आप, ठीक है, 3 महीने या 4 महीने कह लीजिए, वो आप डेवलपमेंट पे लीजिए। कोई भी प्रोग्रामिंग, कोई कुछ भी सीखिए, वेब डेवलपमेंट सीखिए, मशीन लर्निंग सीखिए, जो जो आपका मन कर रहा है, जो आपको अच्छा लगता है प्रोजेक्ट, बट ट्राई टू मेक, क्योंकि आपको अपना रिज्यूमे पे एक अच्छे नंबर अच्छे प्रोजेक्ट्स डालने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का भी आपने चेक दिया या कुछ भी कर दिया। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट कि अगर आप किसी का चुरा लेते हो तो अब आपका सिलेक्शन नहीं होगा या नहीं, बट एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे ना जब आप करोगे डेवलपमेंट करोगे जेन्युइनली, तो जो आपने डेटा स्ट्रक्चर सीखा है, जैसे एरे सीखा या हैश मैप सीखा या ट्राई सीखा, ट्री सीखा, कुछ भी सीखा, तो उसको आप रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर पाओ, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बना पा रहे हो तो किसी को, आई मीन आपको समझना पड़ेगा कि वो भी तो ग्राफ बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर ही है, जहाँ पे आप फ्रेंड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर डेटा बेस में किस तरीके से क्वेरी करते हैं, ये सब चीज़ें, क्योंकि आजकल द थिंग इज, जब आपका रिज्यूमे अप्लाई करते हो आप किसी भी जॉब के लिए, तो वहाँ पे रिज्यूमे में आपकी जितनी ज़्यादा स्किल्स होंगी वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। सजेस्ट यू कि आप, हो सकता है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो कि आप बोलो कि नहीं मुझे डेवलपमेंट में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मैं प्रोग्रामिंग में मुझे ज़्यादा दिलचस्पी आई थी तो मैं कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करूँगा, तो आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करिए जहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इवन कंपनीज डू लुक, अगर स्पेशली अगर मैं बात करूँ गूगल की या अमेजोन की या स्टैंग बेस्ड कंपनीज की बात करूँ, तो वहाँ पे दे लुक फॉर अ कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर अगर आप हो तो। आई एम नॉट सेइंग कि वो बाकियों को नहीं देखते हैं, बट एक एज हो जाता है आपके पास, क्योंकि आप वो सिग्निफाई करता है और जस्टिफाई करता है दैट यू आर अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है, तो वो एक पॉइंट हो सकता है। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा, मान के चलिए आपने शुरू के 3 महीने डेटा स्ट्रक्चर करा, अगले 3 महीने आपने कोई भी डेवलपमेंट पार्ट है वो किया अलॉन्ग विद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, वो आप कर ही रहे हो टिल द एंड करोगे, DSA वाला पार्ट जो कॉन्टेस्ट देने वाला है वो टिल द एंड करोगे। उसके बाद में आपके पास लास्ट के जो 3 महीने या 2 महीने जब भी बच जाते हैं, उसमें आपको करने हैं क्या, उसमें आपको करना है डिफरेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस कम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंसीडर करो मैं अमेजोन के लिए अपीयर कर रहा हूँ या माइक्रोसॉफ्ट के लिए या किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसमें चांसेस ये होते हैं कि अगर आप बहुत सारे डिफरेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के थ्रू चले जाते हो, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द सेम क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो गेट द सेम क्वेश्चन, पॉसिबिलिटी है, बट आई एम नॉट सेइंग कि आपको उसके लिए ग्रीडी होना चाहिए या लालची होना चाहिए, बट वो हेल्प करता है आपको समझने के लिए भी पैटर्न को कि अच्छा किस तरीके के क्वेश्चन हैं जो अमेजोन में या माइक्रोसॉफ्ट में या जिस भी कंपनी के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसमें पूछे जा रहे हैं, तो वो आपको हेल्प करने में भी तैयारी करती मदद करता है। तो आपको लास्ट के 2 महीने या 3 महीने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पे क्वेश्चन करो, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ो, इसमें करने हैं, ठीक है। डेवलपमेंट वाला पार्ट भी आपका हो गया, जिसमें आपने मान के चलो वेब करा या कुछ भी करा, उसके कंसेप्ट भी आपको थोड़े बहुत रिवाइज करते रहने, बट जनरली जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो गई वो उतना ज़्यादा फोकस नहीं करती हैं डेवलपमेंट पे, जनरली हम सही, बट इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट में मशीन कोडिंग राउंड होता है, क्रेड में मशीन कोडिंग राउंड होता है, डिपेंड करता है अगेन, है ना। तो मैं ये नहीं कहूँगा ब्लाइंडली कि सभी कंपनियों के लिए, बट आपको चेक करना होगा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू हैव टू सेलेक्ट एंड यू हैव टू गो थ्रू द डिफरेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस कि उसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद में आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ऑफकोर्स यू आर गोइंग टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड हाउ कैन समवन एक्सपेक्ट यू टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, नेटवर्किंग, राइट। सो एटलीस्ट आपको, आई एम नॉट सेइंग कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट होना चाहिए, बट एटलीस्ट यू शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। तो दीज वुड बी द थिंग्स दैट आई विल सजेस्ट यू। और अगर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग रहेगा कि आप अगर डेली कर पाओ इस चीज़ को, कंसिस्टेंट रहोगे ना, तो डेफिनेटली चीज़ें हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा अचीवेबल हो जाएगा, उतना टफ नहीं है। ITJEE की तैयारी भी करें ना, ITJEE भी कहते हैं टफ है, टफ नहीं है, लंबी है तैयारी, लंबी है, 2 साल का टाइम बहुत हो जाता है, 11th और 12th का कोर्स पूछा जाता है, लेकिन अगर कोई कंसिस्टेंट होकर कर लेगा ना तो बाजी मार लेगा। तो सेम गोज ओवर हियर आल्सो। I hope this would be my advice for you, that how can you start
start programming for product based companies. So I hope you'll definitely land a good job, and do let us know. Thank you. That's all from me.